हेलो हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पर ठीक ठाक से होंगे। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। 5:30 हो गया, लेकिन अभी भी ना प्रॉपर रोशनी नहीं हुई है। मतलब पहले होता था ना 5 बजे के साथ एकदम से लाइट आ जाती थी, बट अभी भी ना मैं कल परसों से भी देख रही हूँ 5:30 भी हो जाते हैं तो अच्छे से लाइट प्रॉपर नहीं आती। आती है बट थोड़ी थोड़ी। और आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। और बस शिवन ने उठ रही थी अभी थोड़ा थोड़ा, उसके पापा को बोल के आई हूँ भाई ध्यान रखना अभी इसका, और मैं निकल गई हूँ वॉक के लिए। तो बस अभी करूँगी थोड़ी सी वॉक, अपना प्रॉपर वर्कआउट जितना कर सकती हूँ उतना ही करती हूँ। तो बस उसके बाद मिलती हूँ आपसे। आज बीच बीच में ना ड्रिजलिंग हो रही है, और कई बार मैं सोच रही हूँ मैं वापस चली जाऊँ, फिर रुक जाती है, फिर मैं भी रुक जाती हूँ। जब मैं वर्कआउट शुरू करती हूँ फिर शुरू हो जाती है। बस ये आज आँख में चोली का खेल चल रहा है, और आज पार्क में आज भी कोई नहीं आया। अब मैं थक गई हूँ। आह इतना सुंदर लग रहा है ये। मेरा वर्कआउट हो गया है डन, और मौसम तो ऐसा ही है ना, धूप निकली है, बादल हैं, बट उमस है, ठंडी हवा नहीं चल रही है। और बस अब मैं थक गई हूँ सच में, अब बस हो गई, हिम्मत नहीं अब घर जाने की, पसीना आ गया बहुत। चलो घर जाके देखती हूँ, टफ होना है कि व्लॉग एडिट करना है, क्या करना है, बस हो गई मेरी सच में। तो भाई 11 बज गए और अभी हम लोग निकल रहे हैं, जा रही हूँ मायके। उससे पहले जाना है मुझे अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, बिकॉज मैंने बताया ना मेरी टांगों में बहुत गंदी पेन होती रहती है, मतलब इतना दर्द होता है ना, अनबियरेबल पेन हो जाती है कई बार। तो मैं आ जाऊँगी, ब्लड टेस्ट कराऊँगी, देखती हूँ क्या आता है क्या नहीं। अब तो डर ही लगता है हर एक चीज़, मतलब कुछ भी ऐसे सोचते में डर ही लगता है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले कराएंगे ब्लड टेस्ट और उसके बाद साहिल हमको ड्रॉप करेंगे घर पर। तो बस चलो मिलते हैं आपसे आगे जाके। और यहाँ शिवन ने ना अपने नानू को सिखा रही थी डांस, मतलब बैठने ही नहीं दे रही थी, कह रही थी नानू जैसे जैसे मैं डांस कर रही हूँ ना वैसे वैसे आप भी करो, मतलब बिल्कुल कॉपी करने के लिए कह रही थी। मैं आई हूँ मायके, कब से आ गए थे तो बस बैठे हुए थे, गप्पे वप्पे मार रहे थे अपने। तो अभी लंच वंच किया है मैंने, मम्मा ने अभी लंच करना, बाकी हम सब ने कर लिया। शिवन्या सो गई अंदर, और आज मेरे एक चाचू आए थे, शिवन्या इतना रोई है, उनके साथ जाने की जिद कर रही थी। एक्चुअली इसका मन है पीहू उनके घर जाने का, आरुभिया, और वो लोग अभी तक आए नहीं है घर पर। तो दीदी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो दीदी कह रही थी मैं शाम को शायद चक्कर लगाऊँ। तो बस ये रो रही थी, कहती मुझे अरु पास जाना है, अरु पास जाना है, चाचा को बोल रही थी मुझे ले चलो उधर। तो अभी ये सो गई है थोड़ी देर के लिए, और मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा मार्केट हुआ हूँ, थोड़ा सा एक दो सामान खरीदना था मुझे। तो लेट्स सी, मैं आई हूँ यहाँ पे बीमार, कोई था नहीं साथ में, तो इसलिए अकेली आ गई हूँ। यहाँ अकेले आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, बट वहाँ अकेले शॉपिंग करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। और मैं देख रही हूँ कुछ यहाँ पर, कुछ ट्राउज़र्स आए हैं, मुझे ट्राउज़र्स चाहिए हैं,
सो बस उसी के लिए शॉपिंग भेज रही हूँ थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स पता है आज मुझे ना अपने लिए कोई नाइट सूट ही नहीं पसंद आ रहा है, इतना वी मार्ट भी देख कर आ गई, वहाँ पे भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया। अब यहाँ पे एक शॉप है नज़र करके यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे भी मतलब जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेट्स सी। हाँ जी ये सब है बट तो भाई हम आ गए घर और घर पे बच्चा पार्टी आई हुई है और उनके साथ मस्त है। अब इतनी गर्मी है ना, मैं मास्क वास्क पहन के गई थी ताकि टैनिंग वैनिंग ना हो मुझे। हेलो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। कैसे? हाय पिकू। कहाँ पीओ भी आप ज़ोंबी हो? मैं ज़ोंबी हूँ। ये होगी और पिक्कू ले गया हमारी ने हमारी खुद से वो गेम ये शिवन्या को लग रही है। आपको ठंड क्यों लग रही है? आपको ठंडी लग रही है? कितनी मजा नहीं आ रहा? इधर मम्मा बैठे हुए हैं ब्लॉग देख रहे हैं और इधर पापा ब्लॉग देख रहे हैं। आप क्यों नहीं देख रहे ब्लॉग? आपकी इतनी हिम्मत? उसको देख रहा ब्लॉग देख रहा मतलब पता नहीं क्या है बट जब भी मैं जाती हूँ ना मौसम इतना अच्छा हो जाता है ना, भगवान को भी पता है कि ऐसा मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बालों की हालत देखना, ये देखना, ये देखो गाइस मेरे बेबी हेयर जो आए हुए हैं ऐसा लग रहा है मैंने ताज का बनाया है। बहुत ब्यूट लगते हैं मुझे ये वाले हेयर। और क्या पकौड़ा पड़ा? तो बस मौसम बहुत अच्छा हो गया और लव दैट। और इनको देखो इधर, ये देखो क्या है, और वो देखो क्लाउड्स चल रहे हैं, ये बादल ना चल रहे हैं, ये देखो चलते हुए बादल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी तो हम सारे अंदर बैठ गए थे और हम सब ने चाय पी ली थी, साहिल लेट आए थे तो यहाँ पे बस उन्हीं को चाय बना के दी थी और बाकी हम सब ने तो पी ली थी। और यहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे थे, पीहू बैठ के अंदर टीवी देख रहा था क्योंकि उसको अब अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। अरे वो बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली, आता तो बड़ा डिब्बा भी है। इनका एक फ्रेंड का पेट्रोल पंप पता कौन सा हमारे घर के पास? वही इंडिया वाला। जैसे वो आप मैं उसी से तेल लगवाता हूं, उसी से उसके पास ही लेता हूं एडवांस में। तो तेल से फेस में बड़ा करता हूं जहां पे गाड़ी आगे पीछे नहीं जाती। ये राधा जी, ये राधा जी, ये सिद्धार्थ पहले लगता था। कहां मैं भी बैठूंगी, करो करो जा। मेरी तो बच्चा ले लिया। हां
यहाँ पर पूजा कर रही। उसके बाद आप हम आ गए थे घर। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।